नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कच्चे केले का उपयोग करके बहुत ही टेस्टी गरम नाश्ता बनाना सीखेंगे। ये नाश्ता बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट तैयार होगा, और आपने कभी ये नाश्ता पहले बनाया नहीं होगा, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखिए। और रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी हम 3 से 4 लोगों को सर्व कर सके उतना फलाहारी नाश्ता बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने 7 नंग मीडियम साइज के कच्चे केले को प्रेशर कुकर में आवश्यकता के अनुसार पानी लेकर 3 सीटी हो तब तक प्रेशर कुक कर लिया था। फिर कुकर का प्रेशर कम हो फिर केले को प्लेट में निकालकर उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब चाकू की मदद से केले के ऊपर जो ग्रीन छिलका है उसे निकाल देंगे। ज़्यादातर जैन लोग कच्चे केले का उपयोग करके अलग अलग रेसिपीज बनाते हैं, क्योंकि वो आलू या किसी भी प्रकार के कंद का उपयोग नहीं करते। मेरे चैनल पर मैंने कच्चे केले का उपयोग करके अलग अलग रेसिपीज पोस्ट की है, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस तरह से सारे केले को हमने छील लिया है। उबले हुए केले को पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लिया है। फिर उसमें 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच साबुत सौंफ और 3 चम्मच फ्रेश कद्दूकस किया हुआ नारियल ऐड करेंगे। अगर आपको नारियल का फ्लेवर पसंद ना हो तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तीखाश के लिए 1.5 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करें। अगर आप जैन हो तो अदरक की पेस्ट को स्किप कर सकते हैं। नाश्ते को क्रंची बनाने के लिए उसमें 3 चम्मच रोस्टेड मूंगफली का पाउडर ऐड करें और खटास के लिए 1 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करें। 3 चम्मच शक्कर ऐड करें। ये नाश्ता थोड़ा खट्टा मीठा हो तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और स्वादानुसार हम सेंधा नमक ऐड करेंगे। नाश्ते को रिच बनाने के लिए उसमें काजू के टुकड़े और किशमिश, जो मैंने 3 टीस्पून ली है, वो ऐड करेंगे। और बाइंडिंग के लिए हम 3 से 4 चम्मच सिंगाड़े का आटा ऐड करेंगे। उसकी जगह पर आप मार्केट में जो मिक्स फलाहारी आटा मिलता है वो भी ले सकते हैं। 1/2 कप हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अगर आप व्रत उपवास में हरा धनिया नहीं खाते तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। हाथ की मदद से सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। ये मिक्सर में हमें बिल्कुल भी पानी या तेल का उपयोग नहीं करना है। जैसे हम आलू के वड़ा बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही मीडियम सॉफ्ट हमें मिक्सर तैयार करना है। केले उबले हुए लिए हैं इसलिए सभी मसाले उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। दोनों हाथ की हथेली को थोड़ा तेल से ग्रीस करें और तैयार किए हुए मिक्सर में से थोड़ा मिक्सर हाथ में लेकर उसमें से मीडियम साइज के गोले बनाएं। इतने मिक्सर में से करीबन 22 से 25 नंग जितने गोले तैयार हो गए। अगर आप व्रत उपवास के लिए ये नाश्ता ना बना रहे हो तो आप कॉर्नफ्लावर भी बाइंडिंग के रूप में ऐड कर सकते हैं। केले हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज हो तो आप अरबी का उपयोग करके भी ये वड़े बना सकते हैं। इस तरह से हमने मीडियम साइज के गोले तैयार किए हैं, उसे गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे। किसी भी फलाहारी रेसिपी को बनाते वक्त उसमें मूंगफली के तेल या देसी घी का ही उपयोग करें। तेल को मैंने गरम करने के लिए रखा था। तेल अच्छे से गरम हो जाए फिर हम कढ़ाई में समा सके उतने वड़ा उसमें डीप फ्राई करेंगे। वड़ा को फ्राई करते वक्त हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और सभी साइड से वड़ा अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब तक उसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद झारा की मदद से पलटते रहना है। एक बार वड़ा को फ्राई करने में करीबन 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। आप इस नाश्ते को कच्चे केले के बफ वड़ा या फलाहारी वड़ा भी कह सकते हैं। व्रत उपवास में हम साबूदाना के वड़ा या साबूदाना की खिचड़ी तो बनाते ही है, लेकिन कुछ अलग नाश्ता करने का मन करे तब हम ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। धीरे धीरे वड़ा का टेक्सचर बाहर से क्रिस्पी होने लगा है। वड़ा को हमें हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, वरना वो बाहर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। वड़ा तलकर तैयार है, उसे एक प्लेट में निकालें और इसी तरीके से हम बाकी के वड़ा को भी तेल में डीप फ्राई करेंगे।
किसी भी प्रकार का व्रत हो, हम उसे शरीर की आंतरिक शुद्धि और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए रखते हैं। व्रत के दिन हमें दूध, फ्रूट या मूंगफली का ही सेवन करना चाहिए। लेकिन अभी सभी की लाइफस्टाइल बहुत ही फास्ट हो गई है और काफ़ी लोगों को भोजन किए बिना बेचैनी होती है, तो वैसा हो तो हमें व्रत वाले दिन आवश्यकता के अनुसार जितनी ज़रूरत हो उतना ही फलाहार करना चाहिए। आप देख सकते हो कि वड़े बाहर से एकदम क्रिस्पी हो गए हैं और अंदर से वो उतने ही सॉफ्ट बनते हैं। वड़े को हम एक प्लेट में निकालेंगे और चटनी के साथ सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। तो दोस्तों, आप भी ये फलाहारी नाश्ता की रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी इजी और क्विक रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।